गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ इन योर होम. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न चैप्टर सेकंड ऑफ हिस्ट्री क्लासिक्स. क्लास सिक्स की हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड. द नेम ऑफ द लेसन इज ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल. ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल मीन्स पहले के लोगों के पदचिन या उनके निशान या उनकी पगडंडिया. नाउ लेट्स स्टार्ट. द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव? यानी जो पहले के लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों मूव किया करते थे? जो हमारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, इसमें लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो जो लोग रहते थे, उनको हंटर्स और गैदरर्स के नाम से जाना जाता था. ये नाम उनको दिया गया था क्योंकि वो लोग कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. जो अपना फूड जिस तरीके से कलेक्ट करते थे, इसलिए उनको हंटर्स एंड गैदरर्स कहा जाता था. मीन्स जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स. यानी जनरली वो लोग क्या क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को हंट किया करते थे, बर्ड्स को, फिश को पकड़ा करते थे और कलेक्ट किया करते थे, गैदर्ड किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे फ्रूट्स को, रूट्स को, नट्स को, सीड्स को, लीव्स को, स्टॉक्स मतलब जो डंठल होती है उनको, और एग्स को. इस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को कलेक्ट करके अपने लिए यू नो फूड गेन करते थे और वाइल्ड एनिमल्स को हंट करके भी अपने लिए फूड गेन किया करते थे. नन ऑफ दीज थिंग्स वॉज इजी टू डू. लेकिन ये जो भी काम होता था, जैसे हंटिंग करने का या गैदर करने का, ये ईजी नहीं होता था. देयर आर सेवरल एनिमल्स दैट रन फास्टर देन अस. क्योंकि बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो हमसे भी ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं. मैनी दैट आर स्ट्रॉन्गर, बहुत से बहुत ज़्यादा हमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. टू हंट एनिमल्स और कैच फिश एंड बर्ड्स, पीपल नीड टू बी अलर्ट. और एनिमल्स को हंट करने के लिए और फिश को और बर्ड्स को कैच करने के लिए मनुष्य को जो है, हम लोगों को जो है, अलर्ट, क्विक एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड रहने की जरूरत होती है. टू कलेक्ट प्लांट्स प्रोड्यूस, यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर एडिबल. यानी अगर हम किसी प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं फॉर फूड, खाने के लिए, तो हमें ये नॉलेज जरूर होना चाहिए कि ये प्लांट्स एडिबल, खाने योग्य है, एडिबल मतलब खाने लायक है या नहीं है. दैट इज कैन बी ईटन, यानी ये खाया जा सकता है या नहीं. एज मैनी कैन बी पॉइजनस, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं. यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन वैन द फ्रूट्स राइपन. और हमें ये भी नॉलेज होना चाहिए कि किस सीजन में कौन सा फ्रूट राइप यानी पकता है. देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स वाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यानी हंटर्स और जो गैदरर्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाया करते थे, लगातार वो अपनी जगह को जो है चेंज किया करते थे. तो उनके पास 4 रीजन्स होते थे कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों जाते थे. फर्स्ट रीजन वाज, पहला रीजन था, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज. यानी अगर वो लंबे समय तक एक ही जगह पे रहते थे तो वहाँ पे यानी ग्रो होने वाले जो सारे प्लांट्स थे और एनिमल्स जो रिसोर्सेज थे वो उनको खा लेते थे और बाकी उनके लिए वहाँ पे कुछ नहीं बचता था. तो फिर वहाँ से वो दूसरी जगह पे मूव करते थे. द सेकेंड रीजन वॉज, सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स. जो एनिमल्स होते थे वो भी स्मॉल प्रे यानी छोटे छोटे शिकार के को ढूंढने के लिए दूसरी जगह पे मूव कर लेते थे. और जैसे वाइल्ड कैटल्स पशु होते हैं, डियर होते हैं, वो ग्रास और पत्तियों की खोज में डिफरेंट डिफरेंट जगह में जाते थे. और ये हंटर जो होते थे इनके पीछे पीछे इन अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चल देते थे. थर्ड रीजन वॉज, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स. सो पीपल मे हैव फाउंड मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड प्लांट्स. यानी जो प्लांट्स होते थे, ये ट्रीज होते थे, वो जो फ्रूट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में बियर किया करते थे. यानी जो फ्रूट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में पैदा होते थे. तो लोग भी एक सीजन में एक जगह पे रुकते थे, फिर और फ्रूट लेने के लिए वो दूसरी जगह पे दूसरे सीजन में चले जाते थे. फोर्थ रीजन वॉज, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर. वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, अदर्स आर सीजनल. क्योंकि क्या होता है, जो पीपल होते थे, जो लोग हैं और जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल, उन्हें सर्वाइव करने के लिए पानी की जरूरत होती थी. लेकिन बहुत से तो पेरिनियल मतलब सदाबहार जिनमें पानी रहता था, लेकिन कुछ कुछ जो लेक्स होते थे, झरने होते थे, वो उनमें सीजनल पानी आता था. यानी जैसे रेनी सीजन में आता था, समर और विंटर सीजन में वो सूख जाता था. तो इसलिए भी वो दूसरी जगह पर चले जाते थे जहाँ पे उन्हें प्रॉपर वाटर मिल सके. बिसाइड्स, पीपल मे हैव ट्रेवल टू मीट दियर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मिलने के लिए भी ये लोग दूसरी जगह पे जाते थे. नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ डू वी नो
अबाउट दीज पीपल, इन लोगों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज. इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स वुड एंड बोन ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट. यानी आर्कियोलॉजिस्ट जो इतिहासकार है उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि किस तरह से ये जो हंटर्स और गैदरर्स थे ये क्या चीज़ें क्या चीज़ों का यूज़ किया करते थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल टूल्स, इनके जो टूल्स होते थे वो बने होते थे स्टोन के, लकड़ियों के और बोन के. ठीक है, और जो मतलब स्टोन टूल्स इसलिए बनाते थे क्योंकि वो लंबे टाइम तक क्या करते थे, सर्वाइव करते थे. हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टोन टूल्स. यहाँ पे जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये डिफरेंट टाइप्स के स्टोन टूल्स है. यानी ए में जो है सबसे पहले उन्होंने इस टाइप्स के स्टोन टूल्स बनाए, आफ्टर दैट उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई करके इस टाइप्स के बनाए, फिर इस टाइप्स के बनाए एंड फिर इस टाइप्स के उन्होंने स्टोन टूल्स बनाए. और जो ये ई वाला है ये दीज आर नेचुरल पेबल्स, और ये जो होते थे नेचुरल पेबल्स मतलब प्राकृतिक जो पेबल्स यानी कंकड़ पत्थर होते थे इनका यूज़ भी वो हंटिंग के लिए किया करते थे. सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन स्क्रैप बार्क एंड हाइट्स एनिमल स्किन चॉप फ्रूट एंड रूट्स. सम मे हैव बीन अटैच टू हैंडल्स और बोन और वुड. यानी इनमें से जो स्टोन टूल्स है कभी कभी ये इसका यूज़ क्या किया करते थे, मीट को कट करने के लिए, पेड़ों की छाल को हटाने के लिए, एनिमल्स की स्किन को हटाने के लिए, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए क्या करते थे. कुछ टूल्स ऐसे बनाते थे जिनमें वो हैंडल्स का यूज़ करते थे. ठीक है, जैसे स्पेयर्स एंड एरोज वो बनाते थे हंटिंग के लिए तो उनमें उन्होंने हैंडल लगाए होते थे. और कुछ स्टोन टूल्स वो इस टाइप से बनाते थे जिससे वो क्या करते थे कि लकड़ियों को चॉप किया करते थे, मतलब लकड़ी काटने के लिए भी वो स्टोन के टूल्स बनाया करते थे. और इन फायरवुड की जो लकड़ी होती है यानी काठ की जो लकड़ी होती थी इसका यूज़ क्या करते थे, हट्स यानी झोपड़ियाँ बनाने के लिए. हियर यू कैन सी डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ पिक्चर. यहाँ पे देख सकते हैं आप टू टाइप्स के पिक्चर्स हैं. इसमें जो लेफ्ट है डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडेबल रूट्स, यहाँ पे जो स्टोन टूल्स है इसका यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड को डिग करने के लिए. ग्राउंड को वो इसलिए डिग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो एडेबल खाने योग्य जो रूट जड़े हैं उनको वो निकाल सकें. एंड जो राइट वाला है यहाँ पे स्टोन टूल्स का वो यूज़ कर रहे हैं स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, क्लोथ्स को स्टिच करने के लिए. यानी एनिमल की स्किन से वो अपने लिए क्लोथ बनाया करते थे, कपड़े बनाया करते थे, और उसको स्टिच करने के लिए सिलने के लिए वो इन स्टोन टूल्स है इनका यूज़ किया.